अस्सलाम वालेकुम मौजीज नाज़रीन, AET तेलंगाना न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं अहम खबर की जानीब। अफसोसनाक खबर, NTV न्यूज़ के रिपोर्टर जमीर 3 दिन पहले करीमनगर ज़िले में तेलंगाना बारिश की कवरेज करते हुए बह गए थे। आज उनकी नाश मिली और उनकी गाड़ी को भी दस्तियाब कर लिया। NDRF रेस्क्यू ऑपरेशन को कवर करते हुए इनकी आखिरी वीडियो भी देखी जा सकती है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब जमीर और उनके एक और साथी सैयद रियाज अली बुरनापल्ली गाँव से जगदियाल वापस आ रहे थे। वेतला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि वो एक स्विफ्ट डिजायर कार में सफर कर रहे थे और रामूजी पेट गांव पहुंचे। उन्होंने मेन रोड से शॉर्टकट लिया जब इन्होंने रामूजी पेट और भूपतिपुर के दरमियान सैलाब ज़दा सड़क को उबर करने की कोशिश की तो कार सैलाबी पानी में बह गई। कार बह गई और मदद करने की कोशिश की। उन्होंने सैयद रियाज अली को महफूज मुकाम पर खींच लिया लेकिन जमीर उस वाक़े के बाद लापता हो गए। तलाश जारी है। लापता सहाफ़ी की तलाशी के दौरान NDRF ने 9 मजदूरों को बचा लिया। पेश है AET तेलंगाना न्यूज़ से ये खसूसी रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने के लिए AET तेलंगाना न्यूज़ को YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें।